30 जून 19।
कैदी अपने पास रखे। 4 जनवरी 1966 को सोवियत यूनियन ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबेन 1965 की जंग के बाद अमन मुहिदे पर जोर दिया था। हिंदुस्तानी वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी सदर अयूब खान ने ताजकंद के अलामिया पर दस्तखत किए, जिसके बाद 25 अगस्त 1966 को अगस्त से पहले की लाइनों पर दस्तखत करने पर इत्तेफाक किया गया था। ताजकंद कॉन्फ्रेंस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपनी फितरी हदूद बहाल करने पर मजबूर किया और 1949 में कश्मीर में जंगबंदी लाइन। इस मुआहदे में दोनों ममालिक से ये भी मुतालबा किया गया था कि वो एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत ना करें और माशी और सिफारती ताल्लुकात बहाल करें। मजीद ये कि इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के रहनुमाओं को भी ज़रूरत है कि वो दोनों ममालिक के माबेन अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए काम करें। ताजकंद ऐलान पर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने 19 जनवरी 1966 को दस्तखत किए थे। ताजकंद मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान में अयूब खान की क़यादत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुश्तइल हो गए और तुलबा के फसादात फूट पड़े। हिंदुस्तान में इस मुआहदे को तनकीद का निशाना बनाया गया था क्योंकि इसमें ना तो जंग का मुआहदा था और ना ही कश्मीर में गोरिल्ला जंग से कोई परहेज था। ताजकंद मुआहदे पर दस्तखत करने के एक दिन बाद हिंदुस्तानी वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री दिल के एक मोहलिक हमले के बाद इंतकाल कर गए। इनके मौत से मुतालिक साजिश के बहुत से नजरियात मौजूद हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वो दिल का दौरा पड़ने से नहीं मरा बल्कि इसे जहर दिया गया था। ताजकंद मुआहदे के बाद हिंदुस्तान में अवामी बदमनी वजीर आजम की मौत के बाद ठंडी हो गई और इसके बजाय हुक्मरान कांग्रेस पार्टी की तरफ हमदर्दी की लहर दौड़ गई।